अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ठीक 7 बजे जब तुम घर में एंट्री मारते हो तो प्लीज वीडियो पे वर्क करना तुरंत शुरू कर दिया करो। वी नीड मोर वीडियोस मैन। आई नो तुम लोग बहुत दिनों से न्यूज वीडियोस का इंतजार कर रहे हो, लेकिन जो प्रोसेस हम पहले यूज कर रहे थे अब वो उस चैनल के लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो हमने सोचा है कि उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। एंड सो अब से मंथ में 1 या 2 न्यूज वीडियोस तुमको देखने मिलेंगी जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी। एक इस चैनल पे आएगी एंड एक उस पुराने चैनल एनिमेटीएम टॉक्स 2.0 पर आएगी। एंड नाउ क्योंकि 2 अलग-अलग प्रोडक्शंस होंगे तो इनको बनाना रिलेटिवली इजियर हो जाएगा, तो उस चैनल वाली वीडियो जो होगी उसमें तो नॉर्मल एनिमे और मांगा की न्यूज रहेगी जो जापान रिलेटेड होगी, और यहाँ इस चैनल पर हम इंडिया से कंसर्न्ड एनिमे न्यूज को कवर करेंगे सूट बूट और टाई लगाकर। इसमें हम इंडिया में एनिमे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो रही हैं वो सारा डिटेल में कवर करने का ट्राई करेंगे ताकि तुमसे कुछ भी मिस ना हो। एंड इंस्टेंट अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टा फॉलो कर लो वीप सेंट्रल, यहाँ पर हम एनिमे की सारी न्यूज तुरंत पोस्ट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे क्रंची रोल इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, PVR के नेक्स्ट डीमन स्लेयर मूवी से रिलेटेड क्या प्लान्स हैं, और कैसे एनिमैक्स ने वापस इंडिया में एंट्री ली है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। सो बिना देर किए लेट्स रोल द इंट्रो। शुरू करते हैं उन एनिमे मूवीज से जो PVR प्लान कर रहा है। इसमें पहली है सुजुमे नो तोजिमारी बाय मकोतो शिनकाई, एंड साथ में मकोतो शिनकाई फिल्म फेस्टिवल भी। फर्स्ट अप इस सुजुमे जो कि जापान में लास्ट ईयर 12 नवंबर को रिलीज हुई थी। एंड इसके डायरेक्टर मकोतो शिनकाई हमेशा से ही इंटरेस्टेड थे इसको इंडिया में रिलीज करने के लिए, और वो कई बार इस चीज को कन्फर्म भी कर चुके हैं। एंड देन PVR ने 6 फरवरी को ये अनाउंस किया कि ये मूवी इंडिया में रिलीज हो रही है 21 अप्रैल को, जो कि US और UK रिलीज के सिर्फ 1 हफ्ते के बाद है। कैन यू Imagine how long we have come? अभी एटलीस्ट पॉपुलर स्टफ वेस्ट के साथ ही हमें देखने मिल रहा है। साथ में ये भी रूमर्स हैं कि मकोतो शिनकाई की और मूवीज को भी PVR थिएटर्स में दिखाने वाला है सुजुमे नो तोजिमारी की रिलीज से पहले। जैसे कि अगर आप बुक माई शो पर जाकर योर नेम सर्च करते हैं तो आपको ये मूवी लिस्टेड दिखेगी, लेकिन इसकी कोई रिलीज डेट नहीं है और ना ही PVR की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है, एंड इसको बाद में हटाया भी जा सकता है जो कि PVR अक्सर करता भी है। सेकंड इज स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव शर्सो ऑफ द डीप नाइट। ये मूवी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी होगी, और ये मूवी लास्ट ईयर जापान में अक्टूबर में रिलीज हुई थी। 21 जनवरी को PVR ने कन्फर्म किया था कि ये मूवी इंडिया में 10 फरवरी को रिलीज होगी, बट फिर 11 फरवरी को उन्होंने इसे डिले करके पोस्टपोन कर दिया और इसकी रिलीज डेट अब हो गई है 14 अप्रैल। थर्ड वन इज डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क। ये एक कंपाइलेशन मूवी है जिसको एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के लास्ट एपिसोड्स और स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स को कंबाइन करके बनाया गया है। इसको लास्ट ईयर दिसंबर में अनाउंस किया गया था और इसको 80 कंट्रीज में स्क्रीन किया जाने वाला है। मूवी ऑलरेडी कई कंट्रीज में रिलीज हो चुकी है इस फरवरी में, एंड दे आर मेकिंग क्वाइट सम गुड प्रॉफिट। ह्यू फुटेबल पूरी तरह से, एंड इंडियन फैंस आर डाइंग टू नो कि ये इंडिया में कब रिलीज होगी, स्पेशली आफ्टर दैट लीक ऑफ बाथ सीन। नॉट मी ऑब्वियसली। खैर फैंस के कमेंट्स को PVR आंसर करता तो है फेवरेबल वे में, लेकिन इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। हमने एक इनसाइडर से पूछने की कोशिश की एंड इट सीम्स दैट द सोशल मीडिया टीम वांट्स टू कीप पीपल हाइप्ड, दे डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, बट इफ यू रिक्वेस्ट इट एनफ आई थिंक इट विल हैपन, इट्स नॉट वेरी अनलाइकली। नाउ लेट्स कम टू एनिमे रिलीजिंग ऑन OTT और लीगल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया एंड ऑल्सो हिंदी डब्स। सो इंडिया में नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, क्रंची रोल और डिज्नी प्लस Hotstar जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज एनिमे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आजकल दिखा रहे हैं। पहले एनिमे सिर्फ लाइब्रेरी में ऐड होते थे, अभी साइमलकास्ट होने लगे, एंड देन अब तो हिंदी डब भी आने लगे हैं। एनिमे इज बिकमिंग अ बिट मोर लीगली अवेलेबल इन इंडिया एंड इट्स अ गुड थिंग। क्रंची रोल अब तक 10 से 12 शोज हिंदी में डब कर चुका है, इंक्लूडिंग विलेंट सागा सीजन 2 एंड डीमन स्लेयर सीजन 2। हाँ, सीजन 1 अभी तक नहीं किया है एंड इट डजंट मेक एनी सेंस कि क्यों नहीं किया है। साथ ही डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, फायर फोर्स और बहुत कुछ, पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। डिज्नी प्लस Hotstar ने भी बहुत सारे एनिमे शोज ऐड किए हैं, लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से समर टाइम रेंडरिंग, आओ आशी और ब्लैक रॉक शूटर डाउनफॉल को हिंदी में डब किया गया है। साथ ही Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स भी कभी कभी एनिमे मूवीज रैंडमली डब कर देते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पर डिटेक्टिव कॉनन द कल्प्रिट हंजावा हिंदी में रिलीज हुई है। तो इस सबका कंक्लूजन यही निकलता है कि OTT प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया में एनिमे को स्ट्रीम कर रहे हैं उनको अब ट्रूली एनिमे का पोटेंशियल दिख रहा है एंड वो उसमें काफी अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये अब हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम इसको लीगली सपोर्ट करें और कायदे के साथ एनिमे देखें। तो अगर जो शो तुम्हें देखना है वो किसी सर्विस पर अवेलेबल है तो प्लीज ट्राई एंड सपोर्ट इट बाय वॉचिंग इट देयर। क्रंचीरोल ना सिर्फ एनिमे डब कर रहा है बल्कि अपनी एनिमे लाइब्रेरी को भी काफी जल्दी एक्सपेंड कर रहा है एंड अपने प्लान्स को भी उसने सस्ता कर दिया है। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू नॉट बाय द सब्सक्रिप्शन एंड दिस वीडियो इज नॉट इवन स्पॉन्सर्ड मैन। आई एम जस्ट टेलिंग कि वो काफी
काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. दे इवन अटेंडेड द कॉमिक कॉन इंडिया दिस टाइम एंड दे आर रियली एमिंग टू डोमिनेट द इंडियन एनिमे मार्केट. सो गो एंड बाय द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ. नाउ अगर आप एनिमे को टीवी पर देखते हैं तो आपके लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं, जिसमें से पहला है कि कार्टून नेटवर्क ने मुंबई कॉमिक कॉन में अनाउंस किया है कि वो ड्रैगन बॉल सी काई के एपिसोड्स 5 रीजनल लैंग्वेजेस हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम में टेलीकास्ट करना शुरू करेंगे. ईटीवी बाल भारत स्टूडियो जिबली की रोंजा द रॉबर्स डॉटर 3 मार्च से एयर करना शुरू करेगा 4 बजे, वो भी 12 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी एंड मेनी रीजनल लैंग्वेजेस. जी कैफे एंड जी कैफे HD कुरोजुका एनिमे के एपिसोड्स एयर कर रहे हैं वीकडेज में रोज 2 बजे. इसके अलावा 2 सेपरेट न्यूज हैं, जिसमें से पहला है कि क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स इंडिया में भी एयर किए जाएंगे. क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स 7th एडिशन रिजल्ट जो कि जापान में 4 मार्च को अनाउंस किए जाएंगे, उनको इंडिया में भी सैमलकास्ट किया जाएगा सोनी लिव ऐप पर. 4 मार्च को इंडियन टाइम के हिसाब से 3 बजे इन अवार्ड्स को सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द लाइव इवेंट ऑन क्रंची रोल्स यूट्यूब एंड ट्विच चैनल. आगे बढ़ते हैं, एनिमेक्स ने वापस से इंडिया में एंट्री मार दी है. जी हाँ, अगर आपको एनिमे टीवी पर देखने का शौक था तो आप जियो टीवी के थ्रू उसको अभी भी एक्सेस कर सकते हैं. एनिमेक्स को टीवी से तो बहुत पहले हटा दिया गया था और सोनी लिव की ऐप से मई 2020 में रिमूव कर दिया गया था, जब केसी ग्लोबल मीडिया ने सोनी से एनिमेक्स एशिया चैनल्स के राइट्स एक्वायर कर लिए थे. लेकिन 20 जनवरी से जियो टीवी ने वापस इसको अपने चैनल्स की लिस्ट में ऐड कर दिया है एंड अब आप इसको वहां पर देख सकते हैं. शुरुआत में इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स नहीं थे, लेकिन अब वो भी अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड एंजॉय लाइक द गुड ओल्ड डेज. एंड नाउ आज की आखिरी न्यूज, जापान फाउंडेशन 3 जापानीज मूवीज स्क्रीन करने वाला है 3 और 4 मार्च को, जो कि फ्राइडे और सैटरडे पड़ेगा. मूवीज के नाम है डैड्स लंच बॉक्स, पॉप इन क्यू जो कि एक एनिमे मूवी है, एंड एवरीडे इज अ गुड डे. शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर है. अगर आप दिल्ली और NCR रीजन के आसपास रहते हैं तो आप जापान फाउंडेशन जाकर इन मूवीज की स्क्रीनिंग अटेंड कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स ऑल यू नीड टू बी अपडेटेड अबाउट. अगर कुछ और होगा तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी चैनल पर. तब तक के लिए गो टू द सेकंड चैनल एंड कैच अप विद द जनरल एनिमे एंड मांगा न्यूज़.